हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज की डेट में बात करने वाले हैं दो शेयर से रिलेटेड, काफ़ी बेहतरीन शेयर, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, एज वेल एज बात करें तो लॉन्ग टर्म का विज़न अगर आपका है, आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न और आपको करोड़पति बनाने की पूरी क्षमता रखती है और आपको बहुत कम प्राइस पर मिल रहे हैं। और पहले भी मैंने इन स्टॉक से रिलेटेड आपसे बातचीत करी है, फिर आपको बता रहा हूँ आज दोबारा मैं इस शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहा हूँ और आज की डेट में वो शेयर भागते हुए भी नज़र आए और अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट कराइए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके, शेयर बाजार से नॉलेज मिल सके। अगर बात करें, अभी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें स्टॉक मार्केट ब्रेकिंग न्यूज है के नाम से, अगर देखें टाटा मोटर से रिलेटेड न्यूज है, फाइजर से रिलेटेड, HDFC इंडिया बुल एज वेल एज आरती ड्रग्स के बायबैक से रिलेटेड न्यूज है, बाकी कल की डेट में आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड और डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने बना के दी है, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर दो लिंक मिलेंगे, अगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है यहाँ क्लिक करें फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, एज वेल एज एक और लिंक है यहाँ श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर आपको पहुँचा देगा और अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहे आप दान दे सकते हो। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला शेयर है SIS लिमिटेड करती क्या है? तो SIS का जो एस स्टैंड करता है ना, एस का मतलब है सिक्योरिटी, ओके, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आपने देखिए बैंक से मैं जो पैसे डिपॉजिट करती हुई कंपनी बड़ी बड़ी वैन देखी होगी, SIS उसमें लिखा रहता होगा, ओके, तो वो सिक्योरिटी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करती है, एज वेल एज बात करें ये जो आपके कैमरेज होते हैं, ओके, सर्विलेंस होते हैं जो, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। इससे रिलेटेड पहले भी मैंने आपको वीडियो बनाई है, उसके पूरी आपको जानकारी चाहिए उसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। बट इस वीडियो में बात क्या करना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड बातें करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए लगातार इसमें गिरावट हो रही है, एक महीने का चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा ना, यहाँ पर बाईबैक की भी न्यूज़ आई थी और बाईबैक कितने 550 रुपये का बाईबैक होने वाला है इसमें, ओके, कब आता है देखते हैं। तो लोगों ने काफ़ी यहाँ पर शेयर भी लिए और ओके यहाँ पर उस डेट रिकॉर्ड डेट भी निकल चुकी है और कभी भी न्यूज़ आ सकती है कि इस दिन बायबैक आपको होता हुआ नज़र आएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें 470 रुपीज़ तक शेयर गया है और 350 पे शेयर चल रहा है और बायबैक है 550 का। पहली बात तो 550 का इसका बायबैक है और अगर हम यहाँ पर देखें 24% यहाँ पर नीचे अपने और यहाँ पर हाई से नीचे आ चुका है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैक्सिमम अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं यहाँ पर इसका, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में कंपनी एग्जिस्ट होती हुई नज़र आई है, लगभग इसी रेंज में कंपनी हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। बट अगर इसके मैं आपको फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा ना तो आप इसके फाइनेंशियल्स देख के चौंक जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, लगभग 63% की 61,000 शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं, 52 वीक लो 322 तक का था जो कि लास्ट ईयर था और इसी रेंज में ये शेयर चल रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 477 का या दिसंबर में शेयर आया था, भागता हुआ नज़र आया था। फाइनेंशियल अगर इसके यहाँ पर और भी चीज़ देखें तो डिविडेंड कंपनी देती नज़र आती है, स्प्लिट हुआ है 2020 में, यहाँ पर 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू आपका 5 में तब्दील होता हुआ नज़र आया है। तो कंपनी ने स्प्लिट भी दे दिया, 3 साल के अंदर अंदर स्प्लिट भी दे दिया और बात करें यहाँ पर कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। बट अगर मैं आपको मेन चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं है, अपने हिसाब से आपको देखना है, आपके पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से आपको उसी हिसाब से आपको पैसे डिवाइड करने होते हैं और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है। बट ROC 13 है, डेट थोड़ा सा डेट है और अगर बात करें यहाँ पर प्लेजिंग, कोई प्लेजिंग नहीं है और कंपनी का शेयर कहाँ चल रहा है, 350 के आसपास कंपनी का शेयर चल रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए सेल्स, कंपनी के अगर सेल्स देखेंगे मार्च 2018 में 565 के थे, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो कंटिन्यूसली यहाँ पर इनकी सेल्स बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 2 साल में कितनी सेल्स बढ़ चुकी है, लगभग 200 करोड़ रुपए की सेल्स यहाँ पर ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 38 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर 46 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 22 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट आज की डेट में 19 करोड़ रुपये के, देखिए यहाँ पर बीच में नेगेटिव भी आया था, इसके बाद यहाँ पर गिरावट भी आई थी, यहाँ पर आप देख सकते कंपनीज बंद होती नजर आती, बट स्टिल इस पड़ाव पे खड़ा हुआ है, 19 करोड़ के पड़ाव पे खड़ा हुआ है, तो कंपनी कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट में तो कम से कम नजर आ ही रही है। ओके, एज वेल एज अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं
प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं सेल्स, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देख रखा है, मार्च 2011 में 358 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स थी, जो कि अभी 3000 करोड़ की, मतलब 10 टाइम्स हो चुकी है, 10 साल में 10 गुना कंपनी का साइज हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 41 करोड़ का प्रॉफिट 181 करोड़ पर पहुँच चुका है। ओके, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी 15 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव जस्ट बिकॉज क्या, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है यहाँ पर, अदर यहाँ पर कुछ ना कुछ टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड या कुछ अलग उन्होंने खर्च किया होगा, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बट स्टिल कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, ओके, आपको इस पर बिलीव करना चाहिए। अगर बात करें रिजर्व्स की, और 550 का यहाँ पर कंपनी बाईबैक लेना चाहती है। बाईबैक का मतलब है कि कंपनी को पता है कि हमारे शेयर की वैल्यू क्या है, 550 मतलब 550 का शेयर तो डेफिनेटली पहुँचना ही पहुँचना है, थोड़ा टाइम दे दो, 6 महीने से 1 साल भागता हुआ नजर आएगा। रिजर्व्स की बात करें, अच्छे खासे रिजर्व्स है, 717 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें तो कंपनी का बोरिंग देखिए घटता हुआ नजर आ रहा है, ओके, 485 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर आपको दिखा दूँ दिसंबर में, तो दिसंबर में और कम होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखते हैं इंटरेस्ट, तो 18 करोड़ का इंटरेस्ट था, दिसंबर में 16 करोड़ का गया, मतलब 2 करोड़ कम गए हैं, तो यहाँ पर जो बोरिंग है ये भी कम होती हुई नजर आएगी, सितंबर में 485, तो वहाँ पर और कम होती हुई बोरिंग नजर आएगी। अगर बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, कंपनी ने 505 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर बात करें यहाँ पर और भी चीज़ें कैश इक्विवेलेंट की, तो 226 करोड़ का कैश भी है कंपनी के पास, और प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। FIIs ने यहाँ पर 11% के शेयर ले रखे, DIIs ने 6% के, पब्लिक के पास केवल 9% के शेयर ही है, बाकी सारे अच्छे हैंड में है। तो इसलिए इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, इस कंपनी को बिल्कुल भी इस तरीके से बिल्कुल मत छोड़िए कि कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट भी पेश करके दिखाएगी और काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको रिटर्न देती हुई भी कंपनी नजर आएगी। बट इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी कंपनी आईसेक, इसके रिलेटेड मैंने देखिए वीडियो बनाई थी, अगर हम बात करें 2 महीने, 23 फरवरी को यहाँ पर वीडियो बनाई थी, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लगभग कितने पे बनाई थी, 398 रुपीज़ पे वीडियो बनाई थी, और आपको बताया था कि इस शेयर को ले लीजिए, ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो आईसेक लगभग 451 रुपये पे शेयर चल रहा है, आपको 50-60 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी यहाँ पर अगर देखें 5 डेज में ये शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ रहा है, 5 डेज में ही ये शेयर लेवल पर पहुंच गया, और कहां पर लगभग 13% के रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है। क्यों देता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यहां पर देखिए कंपनी को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2018 में ही आई है, लगभग 3 साल कंपनी को हो गए, और बताना चाहता हूँ बीच में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में खेल रहा था। क्यों खेल रहा था? क्योंकि यहाँ पर OFS आना था, OFS इन द सेंस यहाँ पर OFS बीच में आया भी था, यहाँ पर 350 के आसपास OFS आया था। अब शेयर देखिए भागना शुरू करा है, आज की डेट में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर 568 रुपीज़ तक गया था, और दोबारा ये भागता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 20 लाख शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। क्यों उठाए गए हैं उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लगभग मार्केट कैपिटल 13,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है, मिड कैप कंपनी है, ROCE 37% की है, प्लेजिंग यहाँ पर बात करें प्लेजिंग से रिलेटेड तो 1.9% की प्लेजिंग है, सॉरी 0% की प्लेजिंग है, और 1.9% का डेट इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी के ऊपर डेट भी है, इस बात को याद रखना। बट इसके रिजल्ट आपको और चौंका देंगे। यहाँ पर देखते हैं जून 2018 में सेल्स 434 करोड़ की थी, जो कि अभी बढ़ के 739 करोड़ की हो गई है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा परफॉर्मेंस। आपको पता ही है शेयर बाजार में किस तरीके से लोग आ रहे हैं, ओके, और लोग आ रहे हैं तो इसने किस तरीके से ब्रोकरेज, कल की डेट में इसका रिजल्ट आया था, मैंने इसके रिजल्ट पर्सनली पढ़े हैं, ब्रोकरेज में इसने अच्छा खासा पैसा कमाया है, लगभग 3000 करोड़ के आसपास इसने ब्रोकरेज 3000 करोड़ पति ने 300 करोड़ के आसपास इसने ब्रोकरेज से पैसा कमाया है, तो इस बात को याद रखिए। और क्वार्टरली बेसिस एज वेल एज ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा इसके रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं मार्च रिजल्ट है यहाँ पर, ओके, दिसंबर में 620 करोड़ की सेल्स थी, अभी 739, अगर बात करें नेट प्रॉफिट दिसंबर में 267 था, अभी 329, तो देखिए ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस दोनों बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है कंपनी, ओके, एज वेल एज बात करें यहाँ पर सेल्स ईयरली बेसिस पे चार साल ही कंपनी को हुए है, उसमें यहाँ पर देखते हैं तो 1403 करोड़ की सेल्स 2500 करोड़ की सेल में तब्दील हो गई है, 566 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1599 करोड़ के प्रॉफिट में, 339 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 1000 करोड़ के आसपास, लगभग 3 गुना मतलब आपका पैसा बढ़ा दिया है 3-4 साल में के अंदर अंदर। अगर बात करें रिजर्व्स की तो 329 करोड़ के रिजर्व्स आज के डेट में, 1661 करोड़ के रिजर्व्स, बोरिंग कंपनी के ऊपर है, बट कोई बात नहीं, कंपनी अपने आप को परफॉर्म करके दिखा रही है, ओके, कंपनी के यहाँ पर देखिए फिक्स एसेट भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं,
कंपनी अपने आप में इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए आपको कंपनी भागती हुई नजर आएगी। आप इसके में थ्रू जाके यहाँ पर अकाउंट ओपन करा के आईसेक में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में, तो आप फॉरेन की कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, टेस्ला, वहाँ के भी शेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज वेल एज कैश की बात करें, कंपनी का 3800 करोड़ के आसपास कैश पड़ा हुआ है। और क्या चाहिए, कंपनी अच्छा खासा है। प्रमोटर की होल्डिंग 75%, FIIs 3.74%, DIIs 9%, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 12% की हिस्सेदारी है। तो ये कंपनी देखिए कंसिस्टेंसी दिखा रही है, प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी दिखा रही है, अपने रिजल्ट में। तो आपको ऐसी कंपनी पे ही विश्वास करना है और ऐसी कंपनी पे ही आपको पैसे लगाने हैं। और बात करें SIS की, तो SIS देखिए भागने वाला है। ओके, इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, इसी महीने में इसके रिजल्ट भी है 28 तारीख को, तो ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मैंने अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा दी है, और यहाँ पर कितने 22 के RSI पे चल रही है, इतनी दिग्गज कंपनी 22 के RSI पे मिल रही है, तो आपको ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करना है या फिर भागता हुआ नजर आएगा। और ये इस लेवल को दोबारा टच करेगा और इसका बाईबैक आएगा तो 550 तक जाएगा। इसके अलावा आईसेक की बात करें, तो आईसेक से देखिए मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, बट आपको बताना चाहता हूँ आईसेक में यहाँ पर दोबारा एक डिप दिखाई देगा मुझे, अगर नीचे आती हुई दिखाई देगी तो मैं अब वहाँ पर इसमें दोबारा अप्लाई करूँगा। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो भी मेरी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं अब यहाँ पर काम करने वाला हूँ, तो उसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर बात करें यहाँ पर 72 के RSI पे ये शेयर चल रहा है, बट अगर आपको थोड़ा सा नीचा और मिलता है तो इस शेयर को आप कभी भी खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ये शेयर तो मेरा फेवरेट बन गया है जिस तरीके से इसने रिजल्ट पेश करे है। तो ब्रोकरेज से रिलेटेड और कितनी कंपनी है उधर आप दाव लगा के अच्छा खासा गेन कमा सकते हैं अभी रिसेंटली अगर बात करूँ शॉर्ट टर्म में। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज बात करूँ फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, खुद की स्टडी कर लीजिएगा, मेरी स्टडी थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर, हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।